आ गई है फटाफट खबरों की रेलगाड़ी, जिसका पहला स्टेशन है सिरिल ऐसी दीवान की देखी नहीं का सेट, जहां प्रेम पहुंच गया है मंदिरा देवी के पास उन्हें अपने साथ रहने के लिए न्योता देने। मंदिरा ने उसकी बात मान भी ली है और खुश हो रही है, मगर उनकी ये बेटी ने इस बात को लेकर खूब ड्रामा किया है। वो समझा रही है कि ये प्रेम की चाल है जो तेजस्विनी के कहने पर चल रहा है, और सही भी है। प्रेम और तेजस्विनी मिलकर अपने प्यार को अंजाम देने के साथ साथ परिवार को एक करना चाहते हैं, भले ही प्रेम इस परिवार का असली वारिस क्यों ना हो। प्रेम की लाइफ ऑलमोस्ट उथल पुथल हो चुकी है, और उनके जो पता है धर्म सिंह राठौर, उनका देहांत हो गया है और पीछे से फैमिली पूरी अस्त व्यस्त हो रही है। सो नाउ प्रेम हैज टेकन अ प्लंज कि उन्होंने प्रण लिया है कि भाई मैं मेरे परिवार को वापस उसी माला में फिरूंगा। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी अब आपको लिए चलती है सीरियल नामकरण के सेट पर, जहां नील बहुत चिंता में डूबा हुआ है। उसकी चिंता दूर करने के लिए उसके पापा कोशिश कर रहे हैं, मगर नील की चिंता कम नहीं हो रही। वो कुछ काम के बहाने घर से बाहर भी जाना चाहता है, तो दादी ने, माँ ने और सासू माँ ने उसे पूछताछ शुरू कर दी है। इन बातों ने अब अवनी, जूही और खासकर नील की माँ और नीला दोनों को चिंता में डाल दिया है, क्योंकि बात यहाँ जूही और उसकी बेटी और नील के रिश्ते को लेकर है। जूही सच कह रही है या झूठ, इस बात को लेकर चिंता बड़ी हुई है। अब आपको लिए चलते हैं सीरियल ये उन दिनों की बात है के सेट पर, जहां नैना को पड़ रही है डांट। पूरा क्लास मौजूद है, नैना के पापा भी आए हैं, और हाँ समीर भी है। प्रिंसिपल मैडम उसे खूब डांट रही हैं, मगर अचानक यहाँ एहसान कुरेशी आ जाते हैं और नैना को सजा से बचा लेते हैं। प्रिंसिपल सर को आई थिंक रीजन पता है, उनको जेन्युइन लगता है वो रीजन, तो वो इसको बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि हमारे स्कूल में नैना जैसी लड़कियाँ हैं, और काफ़ी तारीफ करते हैं नैना की। मुझ पे सब बहुत प्राउड फील कर रहे हैं, पहले जितना गुस्सा थे सब लोग मुझसे कि मैं डिबेट में नहीं गई और मैंने कंपटीशन छोड़ दिया है स्कूल की, इंसल्ट करा दी, बहुत गुस्सा थे सब। लेकिन फिर प्रिंसिपल सर ने आके क्लियर किया कि मैं क्यों नहीं जा पाई थी या क्या रीज़न था। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको लिए चलते हैं सीरियल तेनालीरामा के सेट पर, जहाँ तेनालीरामा ने राज दरबार में जादुई दवाई की बात सबके सामने उजागर कर दी है, और दवाई के कारण ही वो कुछ गलत हरकतें कर रहे थे ये भी बता रहे हैं। वैसे राज दरबार में इस दवाई के असर का उन्होंने प्रमाण भी दे दिया है, तथागत जी को भी तो दवाई खिला दी थी और उन्होंने भी तो दरबान की तरह व्यवहार किया था, ये दिखाकर उन्होंने अपनी बात साबित कर दी है। जड़ी बूटी ने ऐसा असर दिखाया, मैं 5 साल पीछे चला गया, मुझे कुछ याद नहीं रहा कि मेरी शादी हो गई है या मैं विजयनगर आ गया हूँ। रात को दवाई खा के जब मैं सुबह उठा तो देखा शारदा बगल में सो रही है, तो मैं घबरा गया कि अम्मा को पता चल जाएगा तो डांटेगी, देखा ये किसके भवन में आ गया, सब कुछ उल्टा पलटा हो गया। फिर महाराज ने कमल ककड़ी भिजवाई मेरे लिए, जिसको खाकर मुझे सारी चीज़ें वापस याद आई। फटाफट खबरों की रेलगाड़ी यहीं रुकती है, ये दोबारा लौटेगी और आपको करवाएगी कुछ और सीरियलों के सेट की सैर। एबीपी न्यूज़ रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।